ये देखो पीस, देखो कितना सॉफ्ट है, देख रहे हो पूरा सॉफ्ट है, गर्मा गर्म निकाल रहे हैं, पूरा क्रंची क्रंची है। देखो तो लोकेशन मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कहाँ पे। तो भैया देखो, अब चिकन पकौड़ा तो हर जगह मिलता है, ठीक है, लेकिन चिकन पकौड़ा 30 रुपये में मिलता है एक जगह में, और इतना टेस्टी मिलता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है, बहुत टेस्टी मिलता है। वो दुकान मेरे सामने है, तो आज हम उस दुकान को एक्सप्लोर करेंगे भाई। 30 रुपये का चिकन पकौड़ा और इतना टेस्टी मिलता है कि पूछ मत, ये मेरे सामने ही दुकान है, यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो इसके बारे में मैं कुछ और बताने से पहले आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। ये बहुत टाइम पहले का बात है, जब मैं यहाँ पे आया था, इस दोस्त मुझे इस दुकान में लेके आया था और बोला था कि यहाँ पे जो है ना चिकन पकौड़ा बहुत अच्छा मिलता है, और मेन बात है कि 30 रुपये का मिलता है, आपको हाफ प्लेट मिलेगा, ठीक है, और खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको तो भी टेस्ट करते हैं, है ना, तारीफ तो मैंने बहुत कर दिया, और मैंने कि भाई 30 रुपये और बहुत टेस्टी, तो देखते हैं अभी। भाई 30 रुपये तो गुट्टे प्लेट, हाँ गुट्टे प्लेट 30 रुपये, पहले गुट्टे लगे थे गर्मा गर्म, तो हमने इनको मांग दिया अभी गर्मा गर्म चिकन पकौड़ा एक 30 रुपये हाफ प्लेट। तो अभी देखो हमारा प्लेट अभी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, अभी गर्मा गर्म जस्ट निकाले हुए हैं, अभी हमारे लिए प्लेट लग रहा है। अब हाफ प्लेट है कितने पीस होगा भाई? हाफ प्लेट, एक हाफ प्लेट में आपको मिलेगा 6 पीस पकौड़े, ठीक है, और खा के बताते हैं कैसा लगता है खाने में। साथ में ये क्या मिला, चटनी और तीखा वाला सर, अरे साथ में तीखा वाला मिला है, और ये वाला क्या है, मस्टर्ड है, मस्टर्ड वाला है, मस्टर्ड टमाटो भी दे दिया। तो ये देखो भाई प्लेट रेडी हो गया, ठीक है, ये प्लेट पड़ा है 30 रुपये का, और वीडियो में थोड़ा जुड़े रहिए, आपको बताएंगे लोकेशन कहाँ पे इनके दुकान का, ये खुद बताएंगे, अभी पहले खा के बताते हैं कैसा लग रहा है इसका टेस्ट खाने में, ठीक है। तारीफ तो मैंने बहुत कर दिया, थोड़ा मेरा दोस्त पकड़ेगा कैमरा पकड़े। तो देखो गर्मा गर्म आ गया, ठीक है, इसमें लाल चटनी और सरसों चटनी और तीखा चटनी तीनों मिला के दिए, बहुत दिन बाद मैं खा रहा हूँ इनके दुकान में, मैं अक्सर आता रहता हूँ, जब भी आता हूँ एक प्लेट नहीं तो दो प्लेट मैं खाता रहता हूँ। तो मैं सोचा आज क्यों ना इसका एक ब्लॉग बना दें और आप लोगों को दिखा दें। वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊँगा लोकेशन कहाँ पर, ठीक है, पहले देख लीजिए वीडियो। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, पास ला ये देखो एकदम सॉफ्ट, देखो ब्लर नहीं है तो, ये देखो पीस, देखो कितना सॉफ्ट है, देख रहे हो पूरा सॉफ्ट है, गर्मा गर्म निकाल रहे हैं, पूरा क्रंची क्रंची है, देखो थोड़ा मेरा भी ले ले भाई, मेरा भी ले, ठीक है, ये देखो पीस जो है पूरा सॉफ्ट और क्रंची दोनों एक साथ, और अंदर से पूरा एकदम फ्राइड हुआ है, ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ बाहर से फ्राई हुआ, अंदर में नहीं हुआ, बहुत जगह अगर जाओगे ना तो बाहर से मिलेगा फ्राई, अंदर में थोड़ा सा कच्चा लग रहा, मतलब रहता है, और जो चटनी है ना बहुत टेस्टी लग रहा है, तीखा वाला सरसों वाला दोनों ही, देखा भाई हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों को, ठीक है, लोकेशन बताएंगे, थोड़ा रुक जाइए। कैसा है? बहुत मस्त, मैं जल्दी में मतलब आज शाम में आया हूँ, देखो अगर आप रात में आएंगे ना तो यहाँ बहुत भीड़ होता है, मैं शाम में आऊँ ताकि मतलब थोड़ा सा भीड़ कम हो। मैंने तारीफ तो बहुत कर दिया, मतलब पूछते हैं दुकान का लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि अगर आप लोगों को खाना होगा तो आप कहाँ पे आएंगे, ठीक है,
भैया तो बताइए दुकान का लोकेशन कहाँ पे है, मतलब आदमी अगर आना चाहेंगे तो कहाँ पे आएंगे? डीएसएस नगर ऑटो स्टैंड, ये पर्टिकुलर लोकेशन है। तो डीएसएस नगर ऑटो स्टैंड यहाँ पे आइए, राजा चिकन पकौड़ा, ठीक है। दुकान का नाम है राजा चिकन पकौड़ा, ठीक है। और खाने में तो मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा है। अभी जैसे शाम होगा ना, लोग यहाँ पे आना शुरू कर देंगे और दुकान में भीड़ पूरा बढ़ जाएगा। इनका वीडियो अभी तक किसी ने बनाया नहीं, ठीक है, तो मैं शायद पहला आदमी हूँ जो इनका वीडियो बना रहा है। हमारा काम ही वही है जो मतलब फेमस नहीं है उनको फेमस करना है। दुकान का टाइमिंग, ठीक है, दुकान का टाइमिंग पूछ लेते हैं इनको अभी। भाई दुकान का टाइमिंग कौन, टाइमिंग दोपहर 2 से लेकर रात 11 बजे ना, रात तक खुला रहता है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत मस्त है, बहुत दिन में सोच रहा था कि इनके पास आऊँगा, आगे वीडियो बनाऊँगा, लेकिन बना नहीं पाया। हमने मुझे आज टाइम मिला है तो बना लिया। और क्या, कहा था ना आपको, और अभी शाम हो रहा है तो लोग जुड़ रहे हैं, है ना। आप देखेंगे ये मार्केट में पूरा यहाँ पे जितना भीड़ होगा और कहीं नहीं देखेगा, यहाँ का क्वालिटी और आपका प्राइस आप कंपेयर कर लेंगे। एक्सलेंट, यहाँ पे चिकन पकौड़े बहुत सारे स्टॉल्स है, ठीक है। आप आगे जाएंगे आपको और मिल जाएगा, उधर सामने है, उधर है, आगे और बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जितना भीड़ मिलेगा आपको वो और कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ और सबका वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। वो बनाने के लिए रीज़न ये है, तो इन्होंने अपना जेन्युइन रिव्यू दिया, थैंक यू सो मच भाई यहाँ पे बताने के लिए, ठीक है। आपका नाम क्या बता दीजिए? सुरेश मिश्रा, सुरेश मिश्रा इनका नाम है। आप भी आइए, आप का खाइए। लोकेशन इन्होंने हमको बता दिया, दोपहर 2 से लेकर रात 11 टाइम है, बहुत देर तक खुला रहता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, दिन में खाओ रात में खाओ, ठीक है, ठीक है। तो लोकेशन सर मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, वहाँ पे देखो, वहाँ पे है ऑटो स्टैंड, ठीक है, मोबाइल आ रहा है, वहाँ पे है ऑटो स्टैंड और जस्ट सीधा लाइन में आओगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा दुकान, ठीक है। थोड़ा सिंपल सा लोकेशन है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आपको इस दुकान में आना कन्फ्यूज़ नहीं होगा कहीं इधर उधर। देख लो बगल में अंडा मतलब बेचते हैं वो, और इनके बगल में ये दुकान है। तो हमको कुछ सामान खरीदना है हॉस्टल के लिए, तो बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, अंधेरा हो रहा है, चलते हैं जबरदन सामान लेना हमको, ठीक है। और इसको भी चाट खाना, तो इसको भी हम चाट खिलाएंगे अभी, तो चलो इसके लिए खोजते हैं कहाँ मिलेगा तेल अच्छा चाट।